राधा नाम ही पर्याप्त है जी। राधा राधा रटन सो घटन लगे सब पाप। कृष्ण प्रेम में आंखें भीग जाती है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है। बिना आंसू बरसाए आज तक किसी को नहीं मिला भगवान। सूरदास रोए, तुलसीदास जी रोए, मीरा रोई, कबीरा रोए, सब रोए, तुकाराम जी रोए। चैतन्य तो इतना रोते थे कि उनके वस्त्र ही गीले बने रहते थे। चैतन्य महाप्रभु इतना रोते सारे जीवन के संताप पाप ताप खाली राधा नाम से खत्म हो जाएंगे। ऐसा राधा तत्व है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। प्रेम में जो है देना देना होता है, लेना नहीं होता है। जब गुरु आपके जीवन में आता है तो आपकी जीवन को किस तरह से परिवर्तित करता है सकारात्मक वे में देखा जाए, उस बारे में कुछ आप हमें बताएं। अगर राधा कृष्ण में से राह हटा दिया जाए तो उसमें आधा कृष्ण बचता है। हाँ, जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं जी, और लोभी को धन प्यारा होता है। तो हे रघुनाथ, आप हमको इसी तरह से प्यारे लगे। क्या कुछ है इस महाकाव्य में जिसको लोगों तक पहुँचाना चाहिए और लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए? राधे राधे मित्रों, आज हम वृंदावन में हैं और अगर हम देखें तो आज का युवा अच्छी सीख के लिए और सफलता के लिए बहुत कुछ देखता सुनता और पढ़ता है। लेकिन अगर आप भारतवर्ष में हैं और अगर सच में आप कुछ सीखना चाहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कथाओं और उनकी लीलाओं से कुछ अलग हटकर देखने और सुनने की ज़रूरत है नहीं। और इसी कड़ी में ये महाकाव्य बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम लोगों को बहुत कुछ सिखाने के लिए प्रेरित करता है, जिसका नाम है श्री कृष्ण चरितमानस रसायन महाकाव्य, जिसे लिखा है जगतगुरु श्री प्रियदर्शी जी महाराज ने और इसे जनमानस तक पहुंचाने का बहुत खूबसूरत बीड़ा उठाया है ब्रज रज रसिक श्री लीला रसिक महाराज जी ने। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट पर आपका। सबसे पहले अगर हम देखें महाराज जी, तो भागवत में राधा रानी का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं आता, लेकिन आपके इस महाकाव्य में राधा रानी के तत्व को ही सबसे खूबसूरती से बताया गया है। क्या है जो इसको पढ़ना चाहिए या आज के युवाओं को देखना चाहिए इसमें? पहली बात तो भागवत जी में राधा नाम इसलिए नहीं आया कि सुखदेव जी महाराज कथा कर रहे हैं जी, तो ऐसा उनका भाव था कि राधा नाम अगर वो एक बार ले देती तो 6 महीने की प्रेम समाधि में चले जाते, ऐसा रसिक संत कहते हैं जी। और परीक्षित के जीवन में 7 दिन है, 7वें दिन तक छका के उनको रसना था जी। तो राजा परीक्षित का कल्याण हो इसके लिए उन्होंने राधा तत्व को अपने हृदय में छुपा के रखा और राधा नाम नहीं लिया। एक बार अगर राधा नाम ले देते सुखदेव जी, 6 महीने की प्रेम समाधि में चले जाते। एक तो ये कारण है जी। इसी बात को जब सारी लीला हो गई भागवत जी की, तो भगवान राधा कृष्ण बैठ के बात कर रहे कि जे सुखदेव ऐसो बोराए गए हो कि आने मेरो नाम हूँ ना लियो। अच्छा, प्रिया जी पूछ रहे ठाकुर जी से जी, पूरी कथा भागवत जी सुना दी, रहने एक बार भी मेरो नाम ना लियो। हाँ, तो ऐसो क्यों कियो? तो ठाकुर जी ने कहा, प्रिया जी तो आप ही बताएं, क्योंकि सुखदेव जो है वो आपका तोता है, सुख माने तोता जी। गोलोक धाम में ठाकुर जी की लीलाएं राधा रानी को सुनाते हैं, उनके प्रिय तोते, तो आप बताओ ऐसे इसने क्यों कियो? तो उन्होंने कहा ऐसे इसलिए कियो कि अगर एक बार मेरो नाम ले दे तो जे सुखदेव, तो 6 महीना की प्रेम समाधि में चलो जातो और विचारो परीक्षित टंगो रह जातो, क्योंकि बाकी तो दिन साथ से जी, इसलिए नहीं लियो। और अब क्या करूं, राधा नाम के बिना रसिकों को आनंद नहीं आवेगो। तब फिर ठाकुर जी ने जयदेव महाप्रभु जी को अपनी वंशी अली, अपनी बांसुरी को वंशी अली को भेजा और कहा कि तू जाकर के और राधा तत्व प्रकट कर किया जी। तब जयदेव महाप्रभु जी ने गीत गोविंद लिख करके और राधा तत्व को प्रकट किया। और श्री कृष्ण चरित मानस रसायन महाकाव्य में तो पद पद पर हमारे गुरुदेव भगवान ने राधा तत्व की महिमा प्रकट की जी। राधा तत्व की एक ऐसी महिमा जिसको अभी तक कहीं पर किसी ने छुआ नहीं है, अगर आप जनमानस तक पहुंचाना चाहें क्या होगी वो? क्योंकि बहुत बड़ा महाकाव्य है, कोई एक अगर आप उसका एक
हिस्सा हमारे आज श्रोताओं को सुनाना चाहें। राधा नाम ही पर्याप्त है जी। राधा राधा रटन सो घटन लगे सब पाप जी। राधा राधा रटन सो घटन लगे सब पाप, प्रिय दर्शी अघटन घटन 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 संताप। अघटन घटन जो नहीं घटने योग्य वो घट जाए जी। घटन घटन संताप, सारे जीवन के संताप पाप ताप खाली राधा नाम से खत्म हो जाएंगे। ऐसा राधा तत्व है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए वृंदावन में आपको राधा राम ही मिलेगा। सब जगह राधे राधे बोलते मिलेंगे, राधे 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 राधे, यहाँ कोई और नाम ही नहीं चलता। राधा नाम की महिमा है। यही मेरे ख्याल से सबसे बड़ी खूबसूरती है भगवान कृष्ण और राधा दोनों की, कि वो दोनों एक दूसरे को हमेशा ऊपर ही रखने की कोशिश करते हैं। क्या आज के युवाओं को भी इससे बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए? किस तरह से आप और भी चीज़ें हैं जो भगवान श्री कृष्ण और राधा से आज का युवा और हमारे देश के लोग सीख सकते हैं? ये राधा और कृष्ण दोनों प्रेम को बताने आए जी। आज हर आदमी कहता हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, वो कहता हम भी करते हैं, वो प्रेम को समझते ही नहीं प्रेम क्या है। प्रेम में जो है देना देना होता है, लेना नहीं होता है। लेना देना तो व्यापार है, हम तुमसे प्रेम करें तुम हमसे करो। आज यही हो रहा, जब कोई बात होती मैंने तेरे लिए ये किया मैंने तेरे लिए, कि बताने की चीज़ थोड़ी है। तो लेना देना जहाँ पर है वो व्यापार है जी, और लेना लेना जहाँ पर है वो काम विकार है। हाँ जी जी, तुमसे लेते रहें स्वार्थ। और जहाँ पर देना 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 है हम अपने प्रेमास्पद को देते रहें। तो ये भाव जहाँ आ जाएगा वहाँ पर आनंद ही आनंद। महाराज जी, भगवान कृष्ण की तो यूँ तो बहुत सारी लीला हैं, सबका मन मोह लेती, लेकिन कोई ऐसी लीला जो इस कृष्णचरितमानस में ही है और अभी तक बहुत कम लोगों ने इसको सुना है, वो प्लीज़ हमें बताएं। जैसे इसमें एक प्रसंग आया अंतरंग प्रेम प्राकट्य। अच्छा, अंतरंग माने बहुत अंतरंग प्राइवेट, दोनों प्रिया प्रीतम बैठे हुए आपस में बातें कर रहे और उसमें एक दूसरे की ही प्रशंसा कर रहे। ठाकुर जी कह रहे अरे राधा तुम ऐसी हो, तुम हमारी प्राण हो, तुम्हारे बिना तो हम कुछ भी नहीं है। अगर राधा कृष्ण में से राह हटा दिया जाए तो उसमें आधा कृष्ण बचता है। हाँ, है ना जी। लिखिए इंग्लिश में लिखिए RADHA, आर हटा दो तो क्या पढ़ा जाए, आधा आधा आधा, तुम्हारे बिना तो मैं आधा हूँ। इस तरह से जब वो बातें कर रहे तो प्रिया जी कहती नहीं नहीं प्यारे, ये सब आपके कृपा से हमने ये अधिकार पाया है, हम आपके बिना कुछ नहीं। तो ये अंतरंग प्रेम प्राकट में एक दूसरे की प्रशंसा की गई है और प्रेम का ये स्वरूप बताया कि प्रेम में अपने अपना नहीं होता है, हम जिससे प्रेम करते उसी को सर्वोपरि मानते हैं। तो बहुत सुंदर प्रसंग है, वो पढ़ने के लिए है। अगर इसको इस तरह से पूछा जाए कि भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम जो है जनमानस को क्या कुछ देता है, सिखाने की सिर्फ बात नहीं और देने की बात हो, तो क्या कुछ हम इससे सीखें? यही देता है कि प्रेम कैसे करना है। जैसे राधा कृष्ण से प्रेम करते, कृष्ण राधा से प्रेम करते, ऐसे हमें ठाकुर जी से और अपने इष्ट से प्रेम करना है जी। रामचरित मानस जहाँ पर समाप्त किया है, पूरा किया है तुलसीदास जी ने, तो उन्होंने आखिरी दोहा लिखा है कामे नारी प्यारी जिम, कामे ही नारी प्यारी जिम, लोभी ही प्रिय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहे राम। जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, तुलसीदास जी लिख रहे जी, और लोभी को धन प्यारा होता है। तो हे रघुनाथ आप हमको इसी तरह से प्यारे लगे, ये तुलसीदास जी ने मांगा। बहुत सुंदर। लेकिन जब हमारे गुरु जी ने इसको पूरा किया कृष्णचरित मानस, आखिरी में उन्होंने दोहा में क्या लिखा, प्यारे ही प्रिया प्यारी जी ने, प्यारी ही प्रियतम श्याम, तिम मोह प्यारे लगो युगल रूप बसुयाम। राधा रानी जैसे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं,
और श्री कृष्ण जैसे राधा से प्रेम करते हैं ऐसे हमको आप दोनों प्यारे लगो, यानी वो लौकिक उदाहरण दिया गोस्वामी जी ने, हाँ, कामी स्त्री का जी, वो भी धन जी, 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 इन्होंने हाई क्लास उसके उसका आगे, भी आगे फिर कोई प्रेम का स्वरूप नहीं है। सोच भी नहीं सकता जैसे एक दूसरे को प्रेम करते ऐसे हमको आप जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपके गुरु से आपका मिलना कैसे हुआ सबसे पहले इस बारे में हमें कुछ बताएं, और गुरु की महिमा क्या होती है जब गुरु आपके जीवन में आता है तो आपकी जीवन को किस तरह से परिवर्तित करता है सकारात्मक वे में देखा जाए, उस बारे में कुछ आप हमें बताएं। महाराज जी से मिलना हमारा ऐसे हुआ कि मैं कुछ नहीं जानता था जी इस बारे में, ना इस लाइन के बारे में, मैं अपने पढ़ रहा था, ठीक है, कॉलेज कर रहा था जी, लखनऊ की बात है, वहाँ पर एक पड़ोस में एक बुजुर्ग रहते थे जी, श्री गुरहा साहब जी, ठीक है, उस समय उनकी उम्र थी 80-85 वर्ष की। एक दिन उन्होंने हमसे कहा कि बेटा पेपर में ऐसा ऐसा लिखा है कि कानपुर में कोई प्रियदर्शी जी महाराज जी उन्होंने कृष्णचरितमानस लिखा है, ठीक, गुरहा साहब वृंदावन के तटीय स्थान के शिष्य थे वो, अच्छा, तटीय स्थान जो आपने जी 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 जी, तो उनके अंदर बहुत प्रेम था कृष्ण का, रोते थे जब वो भजन गाते थे, हर संडे उनका कीर्तन होता था तो आंसुओं से गाते थे, तो बोले कि किसी ने कृष्णचरितमानस लिखा है तो मैं चाहता हूँ तुम जाके उनसे बात करो और ये पूछो कि उनके द्वारा पूरा कृष्णचरितमानस सुनने को मिले तो वो क्या खर्चा लेंगे और कितना टाइम लेंगे, ये तुम पक्का करके आओ। उस समय उनको पिताजी कहते थे हम गुरा साहब को, उनको 80 रुपये पेंशन मिलती थी उस समय, करीब लगभग 40 साल पुरानी बात, उसी में उनको सारा करना था इसको। तो हमने पूछा पिताजी इसमें क्या खास बात क्या है, बोले बेटा खास बात ये है कि जैसे तुलसीदास जी ने रामायण लिखी और तुलसीदास जी ही सुनाए, हाँ, आज हम सुनते हैं तो लोगों के अपने भाव सुनते हैं ना, जो उनके समझ में आता है वो एक्सप्लेन करते हैं जी। तो उन्होंने क्या लिखा, तो अब तुलसीदास तो है नहीं लेकिन कृष्णचरितमानस के रचयिता हैं, लखनऊ से कानपुर 90 किलोमीटर है, तो अपन सुन सकते हैं, वो सुनाएंगे तो फिर सोचो कैसा लगेगा जिसने लिखा, ठीक, ये प्रेरणा दे के उन्होंने हमको भेज दिया। मैं महाराज जी से मिला वहाँ जाके, प्रार्थना करी, बताया कैसे ऐसे आया आपका पेपर में इसके बारे में पढ़ के, तो महाराज जी हम लोग पूरा सुनना चाहते हैं जी, तो आप हमको बताएं कितना टाइम लगेगा और कैसे, ये हमारा उनसे पहला मिलन हुआ कानपुर में, ठीक ठीक। उन्होंने कहा बेटा कम से कम 1 महीना चाहिए और 3 घंटा डेली कथा हो तो 1 महीने में कुछ हो जाएगा जी, ठीक है, आप कब समय दे सकते, बोले हमारे पास समय है तो जब से कहो हम आ जाएंगे। फिर हमने पूछा गुरुदेव भगवान इसकी सेवा क्या होगी, क्योंकि मेन तो वही है उनके पास तो सीमित था जी, तो बोले इसकी यही सेवा है कि तुम सब सत्संगियों को बुला लेना, रसिक लोग आके इसको सुन लें, बस हो गया, ठीक। चूंकि उन्होंने हमसे कहा था पूरा क्लियर करके आना तो फिर अब मैं तो जानता नहीं था, अज्ञानी था, तो मैंने फिर हाथ जोड़ के पूछा, मैंने कहा महाराज जी वो तो ठीक, फिर भी आपकी कोई भेंट तो होगी, कोई दक्षिणा, आपको क्या सेवा करूँ मैं, ओहो, तो बोले तुम पैसे रुपए के लिए पूछ रहे हो। तो ऐसा करना कि तुम 1 महीने जब कथा हो जाए उसके बाद 1 चवन्नी दे देना, ठीक है। मन में मैंने सोचा 1 चवन्नी तो मैं ही दे दूंगा इनकी फीस यही है जी। तो मैंने कहा ठीक है महाराज जी, तो बस उन्होंने 3-4 दिन के बाद की हमको तारीख दे दी कि तारीख से शुरू कर दो, हम आ जाएंगे जी। तो मैंने कहा आपके लिए हम व्यवस्था करते रहने, बोले वो भी नहीं करना, देखिए कितने सरल, बोले लखनऊ में हमारी बहन रहती है राजेंद्र नगर में, मैं वहीं ठहरता हूँ, तो तुम कुछ नहीं करना, हम वहाँ आ जाएंगे, जहाँ तुम कथा की व्यवस्था करो हमको सुना। मैं उनसे मिल के आ गया, पिताजी को बात बताई और तब से फिर वो जो हमने 15 दिन उनकी 1 महीने कथा सुनी, चूँकि मैं उसमें इन्वॉल्व था तो झाड़ू लगाना, वहाँ एक मंदिर में कथा रखी जी, माइक वाइक लगा देना, दरी बिछा के मैं बैठ, वो सुनते सुनते उनका कुछ ऐसी दृष्टि थी वो मैं आज तक नहीं भूला, महाराज शिव की जी। वो आगे मैं बैठता था तो बीच बीच में वो जैसे घुट्टी पिला देते मेरे को, कोई विशेष बात होती ना तो मेरी तरफ देख के, तो वो मेरे दिमाग में ऐसी बैठती चली गई और 1 महीने के बाद एक सज्जन और आए वहाँ लखनऊ में,
सिद्धनाथ मंदिर है वहाँ पर जी। तो उसके प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने कहा गुप्ता जी ने कि महाराज जी यहाँ कथा हो जाए फिर 15 दिन आप हमारे मंदिर में कर दीजिए जी। महाराज जी ने कहा ठीक है। तो वहाँ जब कथा हो रही थी तो वहीं वो ठहरे थे तो मैं उनकी सेवा में रहता था। गुरु जी थे हमारे, गुरु माँ थी जी, जी। गुरु जी की धर्मपत्नी जी। गुरु जी माँ बहुत बढ़िया भजन गाती थी, गुरु जी कथा सुनाती थी। वाह। तो एक दिन मैं उनके चरणों की सेवा कर रहा था तो मैंने कहा महाराज जी इतना अद्भुत ग्रंथ लिखा आपने और अभी तक लखनऊ से कानपुर तक नहीं किसी को मालूम, तो बहुत अद्भुत है। मैं जानता नहीं लेकिन सुनकर के जो लग रहा अद्वितीय ग्रंथ है। तब उन्होंने हमसे कहा, बोले बेटा ये तो मैं भी चाहता हूँ कि जन जन तक पहुँचे, लोग सुने। नहीं तो उस समय गुरु जी की उम्र भी 75-80 साल थी, तो बोले हमारे बात क्या होगा, ये घर में रखे रहेंगे, कोई इसको उठा के रद्दी में दे देगा, कौन समझेगा। तो मैं भी चाहता हूँ कि इसका प्रचार हो लेकिन कैसे हो। हम और तुम्हारी माताजी दोनों जाते हैं जहाँ कहीं कोई बुला लेता हम चले जाते हैं। तो मैंने कहा इसके लिए क्या होना चाहिए। बोले इसके लिए कोई आदमी पूरा जीवन दे, कुछ ना करे, खाली इसके प्रचार प्रसार में लगे तो थोड़ा बहुत लोग पहुँच जाएगा। तो ठाकुर जी की ऐसी प्रेरणा हुई, ये गुरु कृपा है। वो सामने बैठे इतने बड़े संत, तो हमारे मुँह से क्या निकला, हमने कहा महाराज जी आपको जैसा चाहिए वैसा आपको इस्तेमाल करें, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, कुछ नहीं, अभी मेरी शादी ब्याह भी नहीं हुआ ना गृहस्थी है, आप जैसा चाहते वैसा वैसे ही करें, ये आपके सामने पूरा जीवन है आप लगा लीजिए। तो थोड़ा मुस्करा के बोले बेटा कहना सरल है करना बहुत कठिन। अभी 1 महीने से तू कथा सुन रहा है ना, सत्संग कर रहा है हमारे साथ रो जाता जाता, इस समय तेरा भाव बहुत अलग है। जब मैं चला जाऊँगा थोड़े दिन के बाद तू नॉर्मल हो जाएगा, अपने काम धंधे में लग जाएगा जी। मैं जब कथा करके जाता हूँ वापस तो मेरा नियम है कि मैं उस पार्टी को एक पत्र लिखता हूँ कि मैं अच्छी तरह आ गया और आप लोग भी ठीक से होंगे। लोग मिलते तो बहुत ख्याल करते आप महाराज जी भूलना नहीं और हमको याद रखने संत, मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं आता। फिर गुरु जी बोले मैं दूसरा पत्र लिखता हूँ, कोई जवाब नहीं आता। फिर मैं तीसरा पत्र लिख के बंद कर देता हूँ, 3-3 पत्र लिखने की मेरी आदत है, 3 बार मैं उसको तो लोग भूल जाते हैं, तुम भी भूल जाओगे, ऐसा उन्होंने कहा। तो हमने कहा महाराज जी मैं तो भूल जाऊँगा, मैं तो संसारी हूँ, माया में फंस जाऊंगा, आप नहीं भुलाना हमें, आप ऐसी कृपा बनाए रखना कि मैं आप भूल ना पाऊँ। बात आई गई होगी। हाँ। गुरु जी चले गए, 3-4 महीने के बाद हमारे पास पत्र आया। हाँ। कि मैं इलाहाबाद में शिविर लगाने जा रहा हूँ माघ मेले में, ठीक 1 महीने। तो मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ चलो तो तुमको ये ग्रंथ वहाँ पढ़ने को एकांत में गंगा किनारे मिलेगा, तुम अध्ययन करना। रात को 11 बजे मेरे को ये पत्र मिलता है, मैंने पढ़ा, पढ़ने के बाद मैंने तय कर लिया कि कल महाराज जी के पास चला जाऊँ। ठीक। वो मेरे को सारी बात याद आ गई कि मैंने उनसे वचन दिया था, ठीक है उनका पत्र आए। अब देखिए लीला क्या होती है, गुरु कृपा क्या होती है, जो आपने गुरु का महत्व समझाया था। सवेरे जब मैं अपनी आरती कर रहा था, शुरू से बचपन से आदत थी माता पिता के साथ आरती करके फिर मैं कॉलेज जाता था, तो सर्दी के दिन थे, माघ मेला यानी जनवरी आ गया था जी, लखनऊ में भी ठंड, ठीक। तो मैं सुबह आरती कर रहा था, उसी समय मेरे बड़े भाई जिनके साथ में रहता था दरवाजा खुला और उन्होंने हमसे एक बात कही, बोले सुनो आज तुम कहीं जाना नहीं और मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना, तुम्हारे लिए एक जॉब निकला है तो तुम उसको कर जी। मैंने कहा सर जॉब निकला, किसी की डेथ हो गई होगी डिपार्टमेंट में तो उसमें एक सीट खाली हो गई जी। तो मेरी बात हो गई चीफ साहब से, वो हाइडेल ऑफिसर्स कॉलोनी में रहते थे और हाइडेल में सर्विस करते थे, इंजीनियर है बड़े भाई साहब जी, तो तुम्हारा वहाँ पर हो जाएगा, हो गया हो गई। हाँ। अपने सर्टिफिकेट लेके हमारे साथ चल रहा, अब मैं भाई साहब मैं तो आज कानपुर जा रहा हूँ, वो जो संत आए थे मैंने उनको बताया, वो भी सत्संग में आते थे उस समय, प्रियदर्शी जी महाराज, बोले हाँ। तो मैंने कहा उनका लेटर आया था रात को 11 बजे, मैंने देखा और मैं तो अभी उनके पास जा रहा हूँ 1 महीने के लिए इलाहाबाद। बोले नहीं अभी कहीं नहीं जाना, पहले जॉब ले लो फिर अगले साल चले जाना, छुट्टी लेके चले जाना।
मैंने कहा भाई साहब मैंने उनको वचन दिया है कि आप जब चाहेंगे आप उनको बुलाएंगे मैं आ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा मैंने भी जीप साहब को वचन दिया। तो हमने कहा भाई साहब ये हमारी परीक्षा हो रही है, ये आज ही क्यों दोनों आ गए? अगर दो चार दिन पहले आता मैं खुशी खुशी मैं तो सोच ही रहा था कहीं जॉब मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी भी बन जाएगी, काम करने लगूँगा और फिर सरकारी नौकरी आजकल मिलती कहाँ है। लेकिन मैं संत को वचन दे रहा मैं जा रहा हूँ, आप एक काम करिए किसी और को खिला दीजिए। मैंने तो एक सहज में कह दिया तो अब ऐसी बात कैसे अच्छी लगे किसी को। तो उन्होंने कहा कि तुमको क्या लगता है किसी और को दे दीजिए, आज तुम्हें मालूम है बाहर क्या हो रहा है, तुमको खाना मिलता पीना मिलता कपड़े मिलते सब मिलता तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। 10,000 एप्लीकेशन आई है इसके लिए, तुम्हारा तो अभी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ, उसमें MSc वाले फर्स्ट डिविजनर आए हैं कि हमको जॉब मिल जाए। वो तो हमारी बात हो गई चीफ साहब से तो हो जाएगा तुम्हारा, तुमको ऐसा लग रहा। फिर हमने कहा भाई साहब ये आज ही क्यों आना था, आप प्लीज़ आप उसको गलत मत समझिए, एक संत को दिया वचन है मेरे को जाने दीजिए, कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा। रही बात खाने पीने कपड़े लत्ते की तो हमारा प्रारब्ध है, जब तक हमारा आपसे लेना देना है आपको खिलाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। हो सकता है एक दिन आप चाहें कि आज मेरे भाई को मैं आज ये चीज़ देता तब मैं नहीं मिलूँ, मैं पता नहीं कहाँ। इतनी बात करके वो थोड़ा सा गुस्सा हो गए चले गए, पैर भी नहीं छूने दिए। और फिर मैं वहाँ से गुरुजी के पास आ गया और उनको उन्होंने एक लेटर लिख करके दिया उन्हीं पिताजी को कि वो आएगा आपके पास तो ये दे देना। तो फिर मैं कानपुर उस दिन चला आया और बता दिया गुरुजी को अब आप मेरे को वापस नहीं भेजना, मैं आपके पास आ गया ऐसा ऐसा। और बस तब से फिर गुरुजी की सेवा लगी और गुरुजी की कृपा है कि आज मैं आपके सामने आऊँ बैठा। बहुत सुंदर। अगर उस दिन में नहीं कृपा होती तो मैं संसार में बढ़िया जॉब कर रहा होता, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँच जाता संसार में। संसार में हाँ सही कहा महाराज जी। जब भगवान कृष्ण वृंदावन से चले गए तो गोपियों से और राधा से अलग हो गए, इस विरह में अगर हम देखें या पूछना चाहें जानना चाहें कि राधा कैसे रहीं, उसका कुछ अगर वर्णन अगर आप कर पाएं आप। जिस समय ठाकुर जी यहाँ से जाने लगे तो सखियों ने रोका, राधा रानी ने सबने, तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत ज़रूरी है उनको जाना है। तो प्रिया जी ने एक ही बात पूछवाई कि सखी इनसे इतना पूछ लो, प्रेम में रोका टोकी नहीं होती, अगर हमारे प्यारे श्याम सुंदर को मथुरा जाने में सुख मिलता तो उनको जाने दो, पर इतना पूछ लो कि लौटेंगे कब। तो ठाकुर जी ने एक ही शब्द कहा, बोले शीघ्र आई हूँ उन कहवायो, ठीक मैं जल्दी आऊँगा, चले गए। अब जल्दी के माने क्या होता है, आपको कोई कह दे कि मैं भी आता हूँ जल्दी आता हूँ तो आप कितना इंतज़ार करोगे, घंटा दो घंटा चार घंटा, कोई टाइम तो फिक्स किया नहीं शीघ्र आएंगे। तो रात दिन प्रिया जी सखियाँ गोपीजन उनका इंतज़ार करती थी, आ जाएंगे अभी आएंगे, सुबह आ जाएंगे तो दोपहर में आ जाएंगे तो शाम को तो आ ही जाएंगे, तो रात हो गई तो दीपक रखती हैं रास्ते में अंधेरे में आएंगे, ये इंतज़ार करती नहीं आज नहीं अब आ जाएंगे सुबह आएंगे शाम आएंगे सुबह आएंगे, इसी आशा में उन्होंने 100 बरस व्यतीत किए। खाना पीना छूट गया, प्यारे की याद करके रोती रहती हैं, बैठी रहती हैं, एक दूसरे को उनकी लीलाएं गाती रहती हैं, कोई गोपी कृष्ण बन जाती है कोई कुछ बन जाती है, उन्हीं की लीलाएँ करती रहती दिन भर। और हर गोपी को ये विश्वास है कि जैसे ही आएंगे मेरे पास आएंगे सबसे पहले, क्योंकि मेरा उनका प्रेम बहुत था। तो सब इसी इंतजार में 100 बरस तक बैठी रही, चार करीब वो पता ही नहीं लगा उनको 100 बरस कब बीत गए, आ जाएंगे अब आएंगे सुबह आएंगे शाम आएंगे। उसी में जो कंगन यहाँ पहने जाते थे वो यहाँ फंस गए थे आकर के, इतने दुबली हो गई, खाना पीना छूट गया, मुंदरियाँ गिर गिर पड़ी, पता ही नहीं लगता था, उनके विरह में आंसू बरसाती रहती थी। वाह, कृष्ण प्रेम की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है जो मैं समझता हूँ या हम लोग जो देखते हैं कि कृष्ण प्रेम में आंखें भीग जाती हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती भी है
किस तरह से देखते हैं आप इसे? आंसू तो बहुत ऊंची स्थिति है, सात्विक भाव है। आठ सात्विक भाव बताए, स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, वैवर्ण, अश्रु, मूर्छा, ये सब उसमें आखिरी में आता अश्रु। बहुत ऊंची स्थिति में जब साधक होता है तब उसके आंसू आते, स्वेद, पसीना आ जाना, कंप, कांप जाना, कथा सुनते सुनते आनंद विभोर होना, स्तंभ हो जाता एकदम, कभी कभी समाधि सी लग जाती, और प्रेम विभोर होता तो आंसू। आंसू तो बहुत ऊंचे, बिन गुण गाए अश्रु बहाए, श्याम छबिन को निरख न पाए। बिना गुणगान किए बिना आंसू बरसाए आज तक किसी को नहीं मिला भगवान। सूरदास रोए, तुलसीदास जी रोए, मीरा रोई, कबीरा रोए, सब रोए, तुकाराम जी रोए। चैतन्य तो इतना रोते थे कि उनके वस्त्र ही गीले बने रहते थे, चैतन्य महाप्रभु इतना रोते थे। जगन्नाथपुरी में गड्ढा था सिंह द्वार पर, भर जाता था आंसुओं से, इतना विरह था उनका। उन्हीं ने कहा कि आंसू जरूरी है, आंसुओं से जो है अंतःकरण शुद्ध होगा, और कोई उपाय नहीं। जन्म जन्म के जो पाप है हमारे, जो अंतःकरण मैला हो गया, वो आंसू से ही धुले। जी, मन को नियंत्रित करने के लिए भगवान कृष्ण क्या उपाय बताते हैं? नाम जाप, सर्वे सुकालेषु मा मन स्मर युद्ध च। अर्जुन से कहा हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। हाँ, हर समय। और लड़ाई के मैदान में अगर नाम जप में बैठ जाएगा तो लड़ेगा कैसे, सामने इतने बड़े बड़े धनुर्धर खड़े हैं। जी, तो भगवान एकांत में तो नाम जपा नहीं जाता, आप कह रहे लड़ाई करो और नाम जपो। ठाकुर जी ने कहा तू ट्रिक समझता नहीं अर्जुन, जब तू मेरा नाम जपेगा, मेरे ध्यान करेगा, तो फिर युद्ध तू नहीं लड़ेगा। हाँ, फिर इनसे तू कहाँ निपटेगा? हमारे सामने गृहस्थी का युद्ध है, संसार का युद्ध कम है क्या? तो अपन को नाम जाप करना, भगवान का सुमरण करते रहो, ये सारे काम ये सब भगवान करते जाएंगे तुम्हारे। सबसे सरल है कि भगवान को नाम जाप। कलयुग केवल नाम आधार है, कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं है, ना यज्ञ कर सकते, तप नहीं कर सकते, जंगल में जाके कहाँ रहोगे? बैठ के भगवान का नाम जपो, मन लग जाएगा, सबसे सरल। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे ये सारी बातें करने के लिए। आज आपने युवाओं को, पॉडकास्ट देखने वाले सारे लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।